हाइपोटेन्यूस और एक साइड दिया जाएगा, आपको राइट एंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिस तरह हमने ऊपर बनाया। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप कैसे बनाएंगे, जब आपको दो चीज़ें दी जाएंगी, एक हाइपोटेन्यूस की लेंथ दी जाएगी और एक हमें कोई साइड की लेंथ दी जाएगी। तो सबसे पहले आप हाइपोटेन्यूस आपको बड़ा दिया हुआ है 7.8 सेंटीमीटर, तो इस बड़े को आप एज ए बेस बना लीजिए 7.8 सेंटीमीटर। और जब आप ये बनाते हैं तो एक बात का ख्याल रखिए कि आपको सारा वर्क पेंसिल से करना है। हम यहाँ पेन से इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको प्रॉपरली नज़र आए। सो दिस इज 7.8 सेंटीमीटर लॉन्ग हाइपोटेन्यूस, ये हमने बना लिया है। लेट्स गिव इट ए नेम ए बी। अब इसके बाद हमने क्या करेंगे, हम इसका एक बायसेक्टर बना लेंगे। ए बी का एक क्या बनाएंगे हम, एक बायसेक्टर। तो मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लीजिए और ऊपर और नीचे एक इस तरह से आर्क बना लीजिए। इस आर्क को नेक्स्ट साइड रखकर इस तरह से इंटरसेक्ट कर लीजिए, काट दीजिए। और फिर यहाँ से आप ये जो ड्रॉ करेंगे लाइन, ये हो जाएगा इस लाइन का बायसेक्टर। बायसेक्टर बनाने के बाद जहाँ पे बायसेक्टर आया है इसको आप नाम दीजिए, इसको आप नाम कोई भी दे दीजिए। लेट्स गिव इट नेम एम। एम देकर आप इसको सेंटर कंसीडर कर लीजिए और इसको सेंटर मानते हुए जितना डिस्टेंस ए तक है उतना डिस्टेंस ले लीजिए प्रकार में और एक सेमी सर्कल बना लीजिए, कुछ इस तरह से हाफ सर्कल बना लीजिए। हाफ सर्कल बनाएंगे, ए पर भी लगेगा बी पर भी लगेगा। अब क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड चीज़ दी गई है कि वन साइड मेजरिंग 6.2 सेंटीमीटर, अब हम अपनी स्केल में 6.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर करेंगे, 6.2 डिस्टेंस मेजर करेंगे। इस डिस्टेंस के साथ 6.2 डिस्टेंस के साथ ए पर रखिए और सेमी सर्कल को यहाँ पर जहाँ पर भी वो टच होता है इंटरसेक्ट कर दीजिए एक आर्क बनाकर इस तरह से। जहाँ पर वो इंटरसेक्ट हुआ है बस उसको पॉइंट कंसीडर करते हुए ए को जोड़ दीजिए, ए को कुछ इस तरह से जोड़ दीजिए। तो ये डिस्टेंस हो गया आपका 6.2 सेंटीमीटर। और फिर इसी पॉइंट से आप बी को भी जोड़ सकते हैं। तो ये सारा वर्क आपने पेंसिल से करना है, पेन से इसलिए किया गया है ताकि आपको अच्छे से नज़र आए। आई होप ये आपको समझ आया हो। ये जो एंगल बना है यहाँ पर, दिस इज़ राइट एंगल, इसे कहते हैं 90 डिग्री एंगल। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल, जब डायमीटर से डायमीटर के दोनों कॉर्नर से सर्कल पर कोई एंगल बनता है तो वो 90 डिग्री बनता है, राइट एंगल बनता है। और इस तरह से हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जिसका नाम है ट्रायंगल ए बी सी।